हाय एवरीवन, किल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की पर्टिकुलर लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, जो भी आगे चाहे पीपीएससी के एग्जाम्स देने जा रहे हो, मार्कफेड, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क पेपर, इसके अलावा एफसीआई, एनटीपीसी, एसबीआई, जो भी एग्जाम्स आप देंगे, करंट अफेयर का रोल हमेशा सबसे डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमने पिछले दो महीने के मिक्स लगभग हम 8 से 10 एपिसोड कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूं कि इस सीरीज के बाद में आपको किसी भी मैगजीन को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हमने आपके लिए पंजाब एंड पंजाब की पेपर्स इंक्लूडिंग पंजाब एंड हाईकोर्ट पेपर के संदर्भ में हमने क्रैश कोर्स ऑन कर रखा है। तो आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इवनिंग को क्लासेस होती हैं, आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। और इस सेशन को प्लीज मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर करेंगे आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सोचेंगे कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें की कोचिंग समय पर नहीं मिल पाती और इसी वजह से वो लोग अभी भी बिना कोचिंग के घर बैठे हुए हैं। कम से कम एग्जाम क्वालिफाई करना एक डिफरेंट हिस्सा है। आप प्रिपरेशन करते हो तो अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर आता है कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ हद तक तैयारी कर रखी है। तो आप जरूर इस प्रकार शेयर किया करें ताकि हर एक कैंडिडेट को एक मौका मिल सके कि घर बैठ के वो अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन के संबंधित सबसे पहले आप तक अपडेट्स दी जाती है। तो ये रहा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करके प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रशियाज प्रेसिडेंट का नेम अगर आपको पूछा जाता है तो आपने बताना है व्लादिमीर पुतिन। तो ये पहला क्वेश्चन इसी स्क्रीन पर आपको दे रखा है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया की कैपिटल सिटी कौन सी है, तो भी आपको क्या बताना है, मॉस्को बताना है। लेकिन अगर आपको यहीं पर अगर पूछा जाता है कि रशिया की करेंसी क्या है, तो आपको रूबल बताना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, जहां पर हमेशा क्या चलता है, मैं कह सकता हूं कि तानाशाह का काम चलता है। तो किम जोंग की मीटिंग हुई है, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग कहां हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देयर आर फोर ऑप्शन गिवन है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सेंट पीटर्सबर्ग दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है नोवोसिबर्स्क है, नेक्स्ट है मॉस्को, थर्ड है व्लादिवोस्तोक। तो इसका जो सही आंसर होगा व्लादिवोस्तोक इज द राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये गाइस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको यही बताना होगा। अब यानी ये पूछा जा सकता है कि जो व्लादिवोस्तोक है ये कहां पर है, तो बताना चाहूंगा कि ये कहां पर है, ये रशिया में है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। बल्कि इनके एडिशनल फैक्ट मैंने नीचे आराम से दे रखे हैं आप सबके लिए। मीटिंग वॉज हेल्ड एट रशियाज पैसिफिक पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्तोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले से अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर सेशन के अंदर लगभग 5 से 7 सेकेंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को समझ सकेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं या पुराने कैंडिडेट्स हैं, आपने बताना है कि यूएन का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये आपने बताना है, ठीक है। इन्होंने साइन किया एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पे और इनका उद्देश्य क्या है, एक साथ मिलकर पार्टनरशिप के तौर पर काउंटर टेररिज्म उनपे एक काम करना है, ठीक है। इसीलिए एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। तो जैसे कि हिंदी में दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। काउंटर टेररिज्म पर यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीति वार्ता कहां पर हुई है, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, रोम। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। तो बिल्कुल भी शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है आपने, ठीक है। मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये है कि हर एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है गिल्ड्स मेंटोर से, तो वो कैंडिडेट्स हमें बेस्ट विशेस देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हर एक कैंडिडेट को एक उम्मीद हो कि हम इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन इसका एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं, आपको क्या कहा गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड द यूरोपियन यूनियन हैव साइंड जॉइंटली फ्रेमवर्क एम टू द स्ट्रेंथन, इन्होंने पार्टनरशिप के तौर पर जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है इनपे इन्होंने एक साथ मीटिंग की है, और ये मीटिंग कहां पर हुई थी, ये न्यूयॉर्क में हुई थी, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन हियर, मार्क मेडोफ का हाल ही में उनके डेथ हो गई है,
ठीक है, पासेस अवे एट द एज ऑफ 79, तो उनको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से वो प्रसिद्ध थे, क्रिकेटर के नाम से, एक्टिविस्ट के नेम से, या एक ऑथर के नेम से, या मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टर के नेम से। तो ये पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको, तो इसका जो सही आंसर है ऑथर इज द राइट आंसर है। अगर आप पंजाब के सभी पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस सभी आपको लिंक्स दिए गए हैं, वहां क्लिक करके पंजाब का जीके, पंजाब के करंट अफेयर के संबंधित हमने 2017, 2018 की सीरीज भी कवर कर रखी है, 19 की सीरीज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और पंजाब के जितने भी दो बजट हुए हैं बजट के रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे हैं, यूनियन बजट के संबंधित भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि जिन्होंने रेलवेज ग्रुप डी का पेपर दिया था कि आपको एहसास नहीं था कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एनटीपीसी की जहां तक बात है मैं आपको पहले क्लियर बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आपको नेशनल अवार्ड हो गए, चाहे आप नोबेल प्राइज की बात करें, ऑस्कर की बात करें, ग्रैमी अवार्ड है, इसके अलावा जैसे कि अगर आपको पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें, इसके अलावा जैसे कि इंडिया में भारत रत्न किसे दिया गया है, या पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, तो इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड्स हो गए, इसके अलावा जैसे कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स की बात करें, या अभी एशियन गेम्स की बात करें, इसके अलावा राष्ट्रमंडल गेम्स की बात करें, तो ये सभी गेम्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं गाइस। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पर्टिकुलर इंडिया की रैंक कितनी, इंडिया की रैंक क्या थी, ठीक है, इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे, इसके अलावा ये इवेंट कहां पर हुआ था, किस कंट्री ने होस्ट किया था, उस कंट्री की करेंसी और कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि करंट अफेयर यही चीज आपसे जानने की कोशिश करता है कि आप व्यवहारिक तौर पर आप अगर रह रहे हैं तो आपको कम से कम नॉलेज कितना है या नहीं है। आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन लेने की पहले मैं आपको मार्क मेटकॉफ के बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक प्ले किया था जिनका नाम था चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड, ठीक है, विच वॉन द टॉनी अवार्ड मिला था बेस्ट प्ले कब, 1980 में, वॉज टर्न इनटू 1986 मूवी, ठीक है, दैट वॉन ए ऑस्कर फॉर इट्स फीमेल लीड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पेपर में आने की ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम द साइक्लोन स्टॉर्म दैट इज लाइकली टू हिट द कोस्टल आंध्र प्रदेश बाई अप्रैल 30। तो आप सबको ध्यान होगा कि अभी देश में इसके संबंधित बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली है जहां पर कुदरत का कहर होता है वहां नुकसान ही होता है, ठीक है, कौन कहता है कि अच्छा होता है एक बेमौसम वर्षा होनी। तो अभी जो मैं कहूंगा कि जो साइक्लोनिक हुआ है जिसका नेम आपको पता होगा, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कंट्री ने इसका नेम दिया है, और आगे जो आने वाला है उसका नेम भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका साइक्लोनिक फेनी, तो याद रखिएगा इसको किसने नेम दिया है, बांग्लादेश ने दिया है, और बांग्लादेश ने यह भी अनाउंस किया है कि जो अपकमिंग 2020 में होगा तो उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वायु, ठीक है, वायु उसका नाम रखा जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप सब यहां से पढ़ सकते हैं, कोस्ट लाइन जैसे कि कोस्टल आंध्र प्रदेश बाय 30 अप्रैल थी उड़ीसा के अंदर पहुंचा, उड़ीसा से लगभग 400-500 किलोमीटर जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये पहुंच चुका है, तो काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द सेकंड एडिशन ऑफ बेल्ट एंड रोड फॉर्म, जिसे हम BRF कहते हैं, 37 हेड्स ऑफ स्टेट एंड 159 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड। तो बताना है कि इनमें से किस शहर ने बेल्ट एंड रोड फॉर्म के तहत दूसरे संस्मरण की मेजबानी की, जिसमें कि 37 प्रमुख राज्य और 159 देशों ने भाग लिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा बीजिंग। तो बीजिंग है ये चाइना की कैपिटल सिटी, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चाइना की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल सिटी बीजिंग हो गई, इसके अलावा रिनबिंग यहाँ के क्या हो गई, करेंसी हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया का बैंक कहां पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। चलिए गाइस, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहां पर, ठीक है। ये सेकंड एडिशन हुआ था, पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ था, सेकंड किसका था, बेल्ट एंड रोड फॉर्म जिसे हम BRF कहते हैं, कहां पर हुआ, बीजिंग, कहां पर, ये चाइना में। इसमें लगभग 37 स्टेट्स थे, 159 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूएन, ठीक है, यूएन का जो आपको ध्यान रखें सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, एसजी की बात करें तो उनका नेम क्या है, तो आपने बताना होगा
एंटनो गुटरस इनका नेम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम किस नाम से जानते हैं कि IMF, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है, क्रिस्टीने लगार्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं बीच में, कोशिश करिएगा मेरे साथ पढ़कर, आप कम से कम आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपने कितने हद तक की तैयारी कर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द मेडल टैली एट 2019 एशियन एथलीट चैंपियनशिप। अभी मैंने बताया कि NTPC के लिए नेशनल स्पोर्ट जितने भी इवेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन एथलीट चैंपियनशिप में बताना है कि किस कंट्री ने टॉप किया है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक क्या रही है। ठीक है, चलिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता और यूएसए के अंदर इंडिया की तरफ से रेसलिंग करने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, तो बजरंग पूनिया ने रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले बात है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप कहां पर हुई है, ये हुई है दोहा। दोहा कहां पर है, कतर में। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है यहां से। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किस कंट्री का रहा है, तो उसका नाम क्या है, बहरीन। तो आपको क्या बताना है, बहरीन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन, तो आपने क्या बताना है कि सभी की कैपिटल सिटी प्लस इनकी करेंसी बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए एक टास्क है, एक टफ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, मेरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब यानी इसका सही आंसर क्या आता है, बहरीन। अब यानी पहली रैंक तो इसकी हो गई, दूसरी रैंक यहां पर क्या होगी, मैं बताना चाहूंगा कि इसने टोटल कितने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद में 9 गोल्ड किसने जीते हैं, चाइना ने। तो सबसे पहले तो हो गया कि बहरीन की पोजीशन हो गई नंबर। दूसरी होगी कि आपको चाइना की पूछी जा सकती है। हमेशा किसी भी कंट्री के जो रैंक बनती है वो गोल्ड पे बनती है, न कि ओवरऑल मेडल पे बनती है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये भी आपको याद रखना होगा, इसने टोटल 11 मेडल जीते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। चाइना ने टोटल 9 मेडल जीते हैं। तीसरी पोजीशन है मेरे प्यारे बंधु, ये है जापान की, जिसने 5 गोल्ड जीते हैं। और इसके अलावा चौथी पोजीशन आती है हमारे भारत देश की, जिसने क्या है, चौथा हासिल किया है। ठीक है, इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, बट यहां पर गोल्ड है वो 3 ही जीते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है, इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, यानी इंटरनेशनल डांस डे है वो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल, 25 अप्रैल और इसके बाद में 30 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर हम लोग मनाते हैं। चलिए यहां पर बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल डांस डे जो ऑब्जर्व ग्लोबली 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में डांस कमेटी ऑफ ITI इन्होंने फाउंडेड द इंटरनेशनल डांस डे टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ, किनका नाम है, जीन जॉर्ज नॉर्वे। तो आपको याद रखना होगा, तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड द मॉडर्न बैलेट, तो ये पेपर में चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूं अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम टाइम तक शेयर करेंगे तो हमारे अंदर काम करने की पावर और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनरा बैंक और इसके जो जीवन मैं कह सकता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर जो कैनरा बैंक SHSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक क्या है कि स्कीम लॉन्च की अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, कि उन्हें परेशानी से मुक्त तरीके से जीवन बीमा खरीदने में सक्षम बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि जिनके पास योनो की ऐप है, देखिए योनो, ठीक है, ये SBI की ऐप है, अगर आप SBI के ऐप को ओपन करते हैं तो यहां पर भी 2 लाख रुपए का बीमा आपको कवर दिया जाता है। वैसे व्यवहारिक तौर पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर हम भारतीय लोग हैं, अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो आपको जैसे कि 12 रुपए हो गए, 360 रुपए हो गए, इनका एक आपके बैंक खाते से डिडक्ट होगा, हर साल आपको फॉर्म के अंदर भरना होगा। अगर बाय द वे कोई भी आपके साथ एक्सीडेंटल घटना होती है, कोई ऐसा भी एक्सीडेंटल हैपनिंग होती है, तो आपको क्या है कि इसमें अलग अलग जैसे कि बीमा रखा गया आपके लिए, इंश्योरेंस है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर क्या है, बैंक करप्ट कोड हो गया। नंबर नेक्स्ट हो गया कि वेब इंश्योरेंस हो गया। नंबर वेब आपके पास फिडविट हो गया,
इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी पे क्या दे रखा है आपको, एंसुरेजल दे रखा है। तो मैं चाहूंगा कि इसका सही आंसर प्लीज आप जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर आठवां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेब इंश्योरेंस इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन की हेडलाइन पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि सुविधा जो की जा रही है तो हमेशा डिजिटल सिस्टम में ही सुविधा होती है। कैनरा बैंक को इसकी जो इट्स जो लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर है कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने क्या है कि वेब इंश्योरेंस एक जो स्कीम शुरू की है, अनेबल टू इट्स कस्टमर टू परचेज द लाइफ इंश्योरेंस ऑन ए कन्वीनियंट, जो बेहतर तरीके से आप यानी लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इसके रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप अगर मान लीजिए किसी भी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक आपसे रिकवरी के लिए क्या है कि डेफिनेटली आपको एक लाइफ पॉलिसी देता है कि आप भाई पॉलिसी लीजिए, भाई अगर आप कल को ऐसी कोई घटना होती तो कम से कम बैंक आपसे पैसा इस पॉलिसी से वसूल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, द गवर्नमेंट हैज हाइक्ड द कस्टम्स ड्यूटी ऑन V2 कितने रुपए से कितने रुपए रिसेंटली टू कब इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, सरकार ने हाल ही में आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए गेहूं पर सीमा शुल्क को कितने रुपए से कितने तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बताना है आपको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यस, गिव द करेक्ट आंसर। कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। बस इसी प्रकार अच्छा लगता है, जो भी कैंडिडेट एक महीने तक लगातार अच्छे कमेंट्स करेगा हम उसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसके एडिशनल फैक्ट थोड़े से सर्च करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट हैज हाइक द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है वो किस पे, गेहूं पे 40% से 30% है वो कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एक मैं आपको स्पेशल तौर पर एक सेशन बनाने वाला हूं कि इलेक्शन, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं इलेक्शन 2019 पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लगभग 30 MCQ तैयार किए हैं। ये 30 MCQ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में नहीं भी आते तो आपकी जो मैं कह सकता हूं कि दैनिक लाइफ है हमें उसमें भी जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा वो सेशन बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए स्पेशल तौर पर। आप आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवनिंग कोशिश करेंगे कि 10 बजे के समथिंग आपको एक मेंटल एबिलिटी की क्लास में देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर, किसने रिकॉर्ड बनाया है तो इनका नाम क्या, लुईस हैमिल्टन। ठीक है, को इनका अब देख लीजिए इनका नेम क्या है, आगे जो पर्टिकुलर क्या इन्होंने प्राइज कौन सा प्री इन्होंने जीता है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइएगा इनमें से सही ऑप्शन क्या है। निम्नलिखित में से किसने लुईस हैमिल्टन को अजरबैजान ग्रैंड प्री जीतने में 1.5 समय दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, तो इसका ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, वॉल्टेरी बोटास इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा चेक करूंगा यहां पर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन टेनिस प्लेयर वॉन द स्टटगार्ट पार्से ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस प्लेयर ने स्टटगार्ट पार्से ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, तो आपको 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्वित्सोवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। क्वित्सोवा इनका करेक्ट नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इनकी कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, पेपर के संदर्भ में इन्होंने किसको हराया है, इस्तोनिया की जो प्लेयर है इनका नाम क्या है, अनेट, याद रखिएगा अनेट को हराया है, और इन्होंने ये पर्टिकुलर जो मेडल जीता है, बल्कि टाइटल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। निम्नलिखित में से किसे सिल्वर डिवीजन में इखा मांग के आदेश से सम्मानित किया गया है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, डिवीजन है, सिल्वर डिवीजन है इखा मांगा, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैक्स कैलिस हो गया, हर्सल गिब्स है, मार्क फिश है, इसके अलावा एलन डोनाल्ड है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बंधुओं, इसका होगा ऑप्शन नंबर 12वें का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, जैक्स कैलिस इज द करेक्ट आंसर है। बता देना चाहता हूं कि जैक्स कैलिस के बारे में क्या जानकारी, जैक्स कैलिस साउथ अफ्रीका के फॉर्मर ऑलराउंडर प्लेयर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, तो इनके बारे में आपको, एक्स साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर जैक्स कैलिस हैज बीन ऑनर्ड विद, ठीक है, इस मेडल इन्हें दिया गया है सिल्वर डिवीजन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13वां है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन मैंस वनडे इंटरनेशनल मैच। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। इवन कि अगर वीमेन क्रिकेट मैच चल रहे हैं तो उनके अंदर भी मेल अंपायर होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फीमेल को यहां पर दिया मौका दिया जा रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बंधु, वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा क्लायर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बल्कि आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से संबंधित हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पदक तालिका में सबसे ऊपर है? भारत, चाइना, इंडिया चाइना, जापान, सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंडिया एंडेड देयर द कंपेन एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SISSF, वर्ल्ड कप विद ए टोटल 4 मेडल, द 3 गोल्ड एंड ए सिल्वर। ठीक है, इस वजह से इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो इसके बाद में आती चाइना की सेकंड पोजीशन थी, इंक्लूडिंग जिनके 2 गोल्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, IRDAI ने डैश 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 के तहत एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि इस तरह के उत्पादकों की मांग को बढ़ाने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस पर नियामक ढांचे की समीक्षा और उपायों की सिफारिश करती है। तो इनमें से जो किसके द्वारा गठित की गई है, प्रभु चावला, उसके बाद में है कमल माथुर, मनीष कुमार, सुरेश माथुर। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो सुरेश माथुर इज द राइट आंसर। थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IR, पहली बात तो आपसे शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। 13 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनके क्या है, सुरेश माथुर। ठीक है, तो ये आपको पेपर में बस पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनमें निम्नलिखित में से किसने डैनियल मेदवेदेव रूस को हराकर टेनिस में बार्सिलोना ओपन 2019 जीता है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको फिर से दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डोमिनिक थियम इज द करेक्ट आंसर होगा। डोमिनिक थियम मेरे साथ रिपीट करिएगा सेशन को, किसी भी लाइव क्लास को ऐसे देखो आप, बड़े मजे से देखो, ताकि आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अच्छे से एफर्ट डाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, प्लीज एनकरेज करने की हमेशा कोशिश होनी चाहिए आप सबकी। थंबनेल ऊपर करके सेशन को लाइक किया करें, और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक चलते हुए सेशन को जरूर आप शेयर करते चला करें। ठीक है, ये सेशन लंबा चलेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही छोटा सा होने वाला है। आपको पूछा जा सकता है कि प्लेयर कहां का है थियम, तो ये कहां का, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रिया प्लेयर। ठीक है, तो बार्सिलोना ओपन 2019 इन्हें जीता है, किसको हराकर, ये रसिया के प्लेयर को, डेनियल को इन्होंने हराया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे क्या पूछा गया है, कि पुंगम कन्नन का 80 साल की एज में डेथ हो गई है, तो ये क्या थी एक, ठीक है, तो आपको ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको सही आंसर बताना होगा इसका, तो ये फुटबॉलर थे, तो ये भी याद रखना होगा आपको, क्या थे, एक फुटबॉलर, क्या नाम इनका, पुंगम कन्नन। बताना चाहूंगा कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर पुंगम कन्नन पासेस अवे एट द एज ऑफ 80 ईयर। ठीक है, तो कन्नन प्लेड 14 मैचेस इंडिया वॉज द फॉर्मर। ठीक है, तो ये मोहन बगान की तरफ से और ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलते रहे हैं, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मेंस सिंगल कैटेगरी। तो मेंस सिंगल कैटेगरी के अंदर जो पुरुष एकल वर्ग के अंदर 2019 के बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है, तो 4 ऑप्शन आपको फिर से दे रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे। पहला है लिनडेन, कैंटो मोमोतो, चेन लॉन्ग, नेक्स्ट आपके सामने समीर वर्मा। तो प्यारे बंधु, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कैंटो के नाम से याद रखिएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आज से ही, मेरे दिमाग में अभी भी एक चीज आ गई है कि मैं आपको एक काम करता हूँ कि रूट वर्ड से याद करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको इतना देखो, ये मेल है, तो
एकल का मतलब है सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने कैंटो, कैंटो के नाम से आपने याद रखना है कांटे, ठीक है। तो आपने ये इमेजिनेशन करो, जब भी किसी चीज को ज्यादा समय तक की याद रखना चाहते हैं तो इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरियोग्राफर है वो किसी सॉन्ग पे किसी एक्टर को डांस करवाने की कोशिश करेगा, तो पहले खुद उसके बारे में वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करेगा। एक डायरेक्टर ने मूवी शूट करनी है तो पहले सोचेगा कि हाँ यार इस प्रकार कैसे किया जा सकता है। तो आप भी कोशिश करें किसी चीज को बेहतर तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। तो कैंटो के नाम से आपने कांटो, ठीक है, कांटो मामा था, तो आपने ये सोचो कि कांटो पर मामा बैठा है, ठीक है। तो बैडमिंटन देख रहा है, कहां पर बैडमिंटन पहली बार एक प्लेयर खेल रहा था, तो कांटो पर बैठ के मामा के साथ मैंने मैच देखा। तो बस इसको किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट करिएगा। चलिए अब आपको ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने 2019 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप सिंगल जो सिंगल्स कैटेगरी के अंदर जीता है। 19वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2019 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप इन वुमेन सिंगल्स। अब बात आती है कि वुमेन सिंगल की महिलाओं के अंदर किसने जीता है, तो फिर से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइएगा इन चार ऑप्शनों में सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकाने यामागुची, ठीक है। तो वीमन के अंदर आपने याद रखना है एकाना यामा गुची, ठीक है। तो गुची का मतलब आपने गुत्थी के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। कपिल शर्मा में गुत्थी थी, तो गुत्थी आप बस ये याद रखिए भैया, आजकल वो कपिल के साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने एशियाई सिंगल वीमन बैडमिंटन टाइटल एशिया का जीत लिया है, बस। तो आपको ये टाइटल याद रह जाएगा और उसके बेस पर आपके लिए आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। सरकार ने आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू उत्पाद उद्योग की सुरक्षा के लिए गेहूं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। हालांकि ये पीछे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि वो था, ठीक है, टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, 40% से 30% बढ़ाई गई थी। लेकिन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए कंट्रीज व्हीट प्रोडक्शन दिस सेशन माइट क्रॉस, ठीक है, तो कितना क्रॉस हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो प्यारे बंधु इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 100 मिलियन टन्स, यानी 100 मिलियन टन्स विल बी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपको सही आंसर यहां पर दे रखा है। तो यहां आप इसके एडिशनल फैक्ट भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट वांट्स टू, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द परचेज है, उसके लिए डोमेस्टिक प्राइसेस है वीट का, डू नॉट कम अंडर द परस्यू एज ए कंट्रीज वीट आउटपुट इन द एक्सपेक्टेड जो स्केल इन्होंने रखा है। तो इसका सही आंसर होगा 100 मिलियन टन विल बी राइट आंसर। 21वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 मेडल टेली, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। तो मैं वापस से वही क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे, अब आपको किस में पूछा गया, रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल नहीं पूछा गया है, तो किस कंट्री ने रेसलिंग के अंदर 2019 के अंदर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इंडिया, जापान, ईरान एंड साउथ कोरिया। तो इसका जो प्यारे बंधुओं सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ईरान ने टॉप किया है और इसने टोटल 11 मेडल जीते हैं भैया, और इंडिया के टोटल 8 ही मेडल थे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जॉन सिंगलटन एक स्ट्रोक से जटिलताओं के बाद में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। जॉन सिंगलटन है, हैज पास्ड अवे फॉलोइंग, ठीक है, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो वो किस क्या थे वो एक, तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि वो किससे संबंधित थे। तो दोनों तीन चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो पर्यावरण से संबंधित कुछ नहीं था, साइंटिस्ट भी नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे। तो वो क्या थे, ऑप्शन नंबर डी, वो डायरेक्टर थे, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, डायरेक्टर थे जॉन सिंगलटन। तो एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैज पास्ड अवे फॉलोइंग, ठीक है, इनको दिया गया था, ही हैज बेस्ट नोन डायरेक्टर, ठीक है, तो ये इनकी इनके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये भी आपको याद रखना है। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से जल्दी, अगले क्वेश्चन में क्या जानकारी है। द फॉर्मर --- प्रेसिडेंट डॉक्टर, इनका नाम क्या है, निगासे गिधाडा का जर्मनी में निधन हो गया कि जहां उनका उपचार चल रहा था, तो ये बताना है कि किससे संबंधित थे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, इथोपिया इज द राइट आंसर, इथोपियन थे वो, ठीक है। तो ये आपको दिए पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉर्मर प्रेजिडेंट जिनका नाम डॉक्टर निगासो, ठीक है, डॉक्टर निगासो गिधाडा, जर्मनी में इनकी डेथ हो गई है और इनका जो हाल ही में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये कहां के थे, इथोपियन थे। एडिशनल फैक्ट देख सकते हैं,
फॉर्मर इथोपियन प्रेसिडेंट डॉक्टर निगासा की बात करते हैं, पास्ट अवे जर्मनी वेयर ही वॉज ए अंडरगोइंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, 75 साल की एज के अंदर, और प्रेजिडेंट रहे थी 1995 से 2001 के बीच में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन, बताइएगा कि इथोपिया की कैपिटल सिटी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या, और यहाँ के प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजिडेंट कौन है। तो ये आपसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में यूएन शस्त्र व्यापार संधि से हट गया है, तो क्यूबा, कनाडा, इजराइल, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यूएसए, जिसकी जानकारी आप सबको पहले भी पता होती, ठीक है, तो इसका सही आंसर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटेड दैट, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज विड्रॉइंग द यूएस सिग्नेचर फ्रॉम यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो यहां से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन युद्ध उथले वाटरक्राफ्ट के निर्माण के लिए गार्ड रीच, ठीक है, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, टोटल कितना फंड इसके लिए रखा गया है। जहां तक बात आती है कि पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि AS इनकी क्या फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप यहां से देख सकते हैं एंटी सबमरीन, ठीक है, वेयरफेयर शॉलो, तो ये इतना बड़ा नाम है, तो ये ज्यादातर चीजें ये बैंक के एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे, जब भी पूछी जाएंगी, तो ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो याद रखना 6,311 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। एडिशनल फैक्ट थोड़े से कोशिश कर लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नेम क्या है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सीतारमन, हालांकि अभी तो 23 मई के बाद में नई मिनिस्ट्री बन जाएगी, तब तक आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल इसके लिए 6,311 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया है, जिसके तहत आगे की ये प्रोसीजर जारी रहेगी। 26th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विप्रो कंज्यूमर केयर ने घोषणा की है कि वह पर्सनल केयर कंपनी --- का अधिग्रहण कर रही है, जो कि फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। विप्रो कंज्यूमर केयर अनाउंस दैट इट्स, इन्होंने फैसला किया है, क्या किया है वो आपको बताना चाहूंगा, किसके संबंध में अधिग्रहण कर रही है, तो ये है चार ऑप्शन आपको, तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, सप्लेस इज द राइट आंसर। तो विप्रो कंज्यूमर केयर ने घोषणा की है कि वह पर्सनल केयर कंपनी, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्लेश आपको सप्लेश का अधिग्रहण कर रही है, जो फिलीपींस में स्थित है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि फिलीपींस में कौन सी कंपनी स्थित है, तो सप्लेश या फिलीपींस की बात करते हैं, तो यहां की करेंसी की बात करते हैं तो मनीला। देखो रूटवर्ड क्या होते हैं, मैंने जो कंट्रीज और कैपिटल याद किए वो मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं इमेजिनेशन करता हूं, जैसे मैंने इमेजिनेशन किया कि फिलीपींस, यानी पिंस बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, देखो ये पिंस फैली हुई हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे ही आप अपने ऑफिस में गए तो आपके बॉस ने कहा कि भैया इन पिंस को इकट्ठा कर दो, तो आपने कहा कि सर मैं यहाँ पैसे के लिए काम कर रहा हूं, पहले अब मनीला फिर मैं इकट्ठी करता हूं, तो मनीला फिलीपींस। आप 3-4 बार इन चीजों को रिपीट करेंगे तो आपके बेहतर तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगी। Who among the following is set to become the first wrestler from India to fight the iconic Madison Square Garden in New York? I just told you before few minutes ago the same question and the same answer. मैंने कुछ समय पहले आपको बताया है, तो इनमें से चार ऑप्शन आपको बेहतर तरीके से दे रखे हैं। आई थिंक आप अगर अच्छे तरीके से मेरे सेशन को देख रहे हो तो मैं नहीं मानता कि आपको ज्यादातर ऑप्शन को इंतजार करने की जरूरत है। बजरंग पूनिया ने भैया अभी जो एशियन जो एथलीट थे वहां पर इसने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको डायरेक्ट एंट्री मिली है। जहां पर आप हम देखेंगे बजरंग पुनिया सेट बिकम द फर्स्ट रेसलर फ्रॉम इंडिया टू फाइट एट द इकोनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली गोल्फ क्लब में वार्षिक भारतीय गोल्फ उद्योग संघ पुरस्कार के 4th संस्मरण में प्लेयर अवार्ड के रूप में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। बहुत ही अच्छा आंसर है, तो ये किसके संबंधित है, गोल्फ के संबंधित है, तो अब आपको गोल्फ के संबंधित बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी गगनजीत पुलर इज द राइट आंसर, गगनजीत पुलर इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अर्जुन अवार्डी है, ये स्टार इंडिया गोल्फर है जिनका नाम है गगनजीत पुलर, इन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर अवार्ड ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन, तो ये इन्होंने जीता है कहां पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। 29वें क्वेश्चन की जानकारी देखते हैं क्या है,
इनमें से किस शहर में पांचवी एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जिसके जिसका नाम हम एबीयू कहते हैं, मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर, ठीक है, इसके संबंधित जो एक मेजबानी की है वो कहां पर हुई है? सियोल, ठीक है। तो इन सभी की कैपिटल है कहां की है? सियोल कहां की है आपने बताना है। अब मैं ऑप्शन देता हूं कि साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, ठीक है। बीजिंग की बात करते हैं चाइना, काठमांडू की बात करते हैं नेपाल, तो इसके बाद में मनीला की बात करते हैं फिलीपींस। तो आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू विल बी राइट आंसर। पांचवा एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन डिजास्टर में ये काठमांडू नेपाल में हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पेपर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन क्या है कि 2018 और 19 जो सेशन था इसके लिए अमंग द फॉलोइंग वाज नेम द प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन द प्लेयर प्लेयर ऑफ द सीजन, कौन सा रहा है 2018-19 के लिए किसका नाम दिया गया है? तो इसका सही नाम होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल वैन डिजेक। तो वर्जिल वैन डिजेक इज द राइट आंसर। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से संबंधित है ये, तो वर्जिल वैन नेम द प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। तो आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, बताइएगा कि किस कंट्री से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन 31वां, दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन एक पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। 31st नंबर क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे रहे हो। इसी प्रकार से लाइव सेशन को आप अच्छे से देखेंगे तो मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि पीडीएफ के अंदर सिर्फ आप बातें रिपीट कर सकते हैं, जो आपको लिखा हुआ बस वो पढ़ सकते हैं आप, बल्कि एक्सप्लेन करने में बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, मलावी। तो ये आपको याद रखना होगा, मलावी विल बी राइट आंसर। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन एक पायलट प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? तो ये मलावी है। अब यानी ये जो जितनी भी कंट्रीज दे रखी हैं इनकी वापस से कैपिटल एंड करेंसी लिखिएगा आप, ठीक है। चलिए यहां पर आपको वैसे भी जानकारी दे रखी है, बात करते हैं कि फर्स्ट एवर मलेरिया जो वैक्सीन वॉज लॉन्च इन ए पायलट प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, मलावी अफ्रीका की कंट्री है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत सहित विदेशी निवेशों की आकर्षित करने के लिए समन्वय परिषद की स्थापना की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सेट ए कोऑर्डिनेटिंग द काउंसिल बिठाने के लिए अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया रिसेंटली, उन्होंने शुरू किया है। तो फिर से आपको कंट्रीज के नेम दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान विल बी करेक्ट आंसर। कजाकिस्तान बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो कजाकिस्तान हैज सेट द कोऑर्डिनेटिंग इन्होंने काउंसिल फॉर द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, द डिसीजन वॉज टेकन टू ले डाउन द फंक्शनल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर के लिए बहुत संदर्भ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे के सारे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आरबीआई हैज डाइवेस्टेड इट्स एंटायर स्टेक हेल्ड NBH एंड नबार्ड टू गवर्नमेंट विच नाउ होल्ड्स। तो बताना है आप सबने कि आरबीआई ने NBH और नबार्ड में अपनी दूसरी हिस्सेदारी सरकार को बांट दी है, अब इन संस्थाओं को कितना हिस्सा रखेंगी? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% अपना हिस्सेदारी रखने वाली है, ठीक है, तो आरबीआई ने इन संस्थाओं में। चलिए भाई इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34। ईरान और पाकिस्तान दोनों पक्षों ने उग्रवादी समूह द्वारा हमलों का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सीमा स्थापित करने में सहमत हुए हैं, तो बताना है किस बेस पर वो दोनों की सहमति हुई है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है आपका रिएक्शन फोर्स, ठीक है, प्रतिक्रिया बल पर हुआ है, तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहां पर ईरान की कैपिटल और करेंसी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा मेरे साथ, ताकि आपको बेहतर तरीके से और भी समझ में आ सके। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में NPCI में ई मैंडेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट जिसका नाम है API, जिसको हम कहते हैं कि API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बंधुओं वह होगा कोटक महिंद्रा बैंक विल बी राइट आंसर, कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। तो मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके एडिशनल फैक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा, इसी प्रकार ये एपिसोड कंटिन्यू चलेंगे, तो करंट अफेयर के एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया,
प्लीज आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।